अक्सर देखा जाता है कि बिग बॉस शो में आए हुए कंटेस्टेंट्स की जोड़ियां बन जाती हैं। कुछ जोड़ियां तो शो खत्म होने के बाद बरकरार रहती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां टिक नहीं पाती। कुछ ऐसा ही हाल हुआ बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन में चर्चा में आई शमदा शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी का। दोनों का प्यार शो के दौरान परवान चढ़ा। दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया। शो के दौरान दोनों को काफी वक्त साथ में बिताते देखा जाता था। बिग बॉस ओटीटी के बाद शमिता शेट्टी बिग बॉस 15 में नजर आई। इस दौरान जब शमिता अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही थी, उस वक्त कुछ दिनों के लिए राकेश बापट की शो में एंट्री हो गई। कुछ दिन शो में रहने के बाद राकेश की तो शो से वापसी हो गई, लेकिन शमिता उन्हें काफी मिस करने लगी। शो के दौरान जिस जोड़ी को दर्शक खूब पसंद किया करते थे, वे जोड़ी शो के बाद अलग हो गई। पिछले कुछ दिनों से शमिता शेट्टी और राकेश बापट की ब्रेकअप की खबरें जोरों शोरों से चल रही हैं। ब्रेकअप को लेकर शमिता शेट्टी और राकेश बापट को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। तरह तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर राकेश बापट का गुस्सा लगता है अब सातवें आसमान पर पहुंच गया है। राकेश ने अब इस पूरे मामले पर अपनी बात सामने रखी और तरह तरह के सवाल करने वालों पर जमकर निशाना साधा। राकेश बापट ने अपने ब्रेकअप की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में राकेश लिखते हैं, कौन किसे डेट कर रहा है, कौन किसे धोखा दे रहा है, किसने क्या पहना है, किसका परिवार अच्छा है और किसका बुरा, बनाम दुनिया में मेरा क्या योगदान है जहां मैं रहता हूं, मेरे खुद के लिए मेरी दूरदृष्टि क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, क्या हम अपनी इन बातों को थोड़ा बदल सकते हैं। राकेश बापट इस पोस्ट के जरिए ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देते हुए उन पर जबरदस्त भड़कते हुए नजर आए। राकेश की इस पोस्ट को फैंस का ढेर सारा सपोर्ट मिल रहा है। कई लोगों को राकेश का खुद के लिए इस तरह से स्टैंड लेने का अंदाज काफी पसंद आया।